बलिया बीजेपी सदर विधानसभा प्रत्याशी दयाशंकर सिंह का जोरदार स्वागत। आदाब, आप देख रहे हैं भारत मीडिया, खबर यूपी के बलिया जनपद से। दयाशंकर सिंह ने कहा है कि जनपद में बीजेपी की है जबरदस्त लहर। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी 5 सीटें जीती थी। बलिया जनपद में 2022 चुनाव में जिले के 7 सीटों पर होगी बीजेपी की जीत। सदर विधानसभा से बीजेपी के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने बहुत काम किया है। मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला के अधूरे कामों को भी किया जाएगा। पूरे बीजेपी सरकार में पूरे आने वाले समय में बलिया जनपद को बॉम्बे बना देंगे। भारत मीडिया के लिए बलिया से संजय राय की रिपोर्ट। देखिए, बलिया में जबरदस्त लहर है। उस समय जब 2017 का चुनाव हुआ था तो हम लोग यहाँ पर 7 में से 5 सीटें जीते थे। और आज मैं कह सकता हूँ कि बलिया का जो उत्साह मैं देख रहा हूँ, इसके आधार पर कह सकता हूँ कार्यकर्ताओं में जो ऊर्जा है, जो उत्साह है, 2022 में 7 के 7 सीट भारतीय जनता पार्टी। दो मिनट भैया, हमारे मंत्री जी आनंद स्वरूप शुक्ला जी ने बहुत काम कराया बलिया के अंदर, लेकिन जो काम जो अधूरा रह गया है उस काम को पूरा करना मेरा लक्ष्य होगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र, जैसे बीजेपी का जो घोषणा पत्र है वो कांग्रेस के सचिव प्रियंका गांधी जी कह रही है कि वो धोखा पत्र है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे धोखा पत्र? देखिए, घोषणा पत्र के बारे में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने बयान दिया है। कांग्रेस जो है 50 सालों तक शासन किया, इस देश के लिए कुछ नहीं किया, और वो कांग्रेस बोलने का कोई अधिकार नहीं रखती है। 7 सालों में वो काम हुआ जो 75 सालों में नहीं हुआ। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप देखेंगे आने वाले दिनों में बलिया को हम लोग बॉम्बे बना देंगे। जो यहाँ के मेडिकल कॉलेज से लेकर के इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर के जो भी रिंग बांध जो भी अधूरे कार्य पड़े हुए हैं, वो सभी कार्यों को हम लोग पूरा कराएंगे। खबरों से जुड़ने के लिए भारत मीडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबा लें। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ।